Good morning and welcome back. So how can there be no comment on password? And as usual, it has begun with comment on password. Good morning messages from Arnav, Shreyashi, Aryan, Deham, Dev Tevatia, Harshit, Dhruv, Dhruv Sharma with Namaste, of course. Dhruv Gupta also. Shreyashi says ki kal 2222 tha, aaj 3333 hai. So, अब अगले दिन क्या 4444 होगा? Well, let that remain a mystery. Maybe yes. Who knows? देखते हैं. Hopefully, I remember कि मैंने ऐसे 33 और 22 का सीक्वेंस लिया था, है ना? So, क्योंकि कल तो नहीं है, परसों भी नहीं है. उसके बाद जब सीधे मंडे क्लास होंगे तो देखा जाए. We will see, है ना? चलो, we are almost reaching the fag end of the discussion on फ्रिक्शन, ठीक है ना? तो कुमार आदित्य से इसकी 1111 तो अभी तक नहीं हुआ. वेल आई डोंट नो, 1111 कभी तो हुआ होगा, है ना? आई होप सो, ठीक है ना? ओ ध्रुव गुप्ता लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर पर्सपेक्टिव, एंड दैट इज क्या मंडे भी क्लास है? आई अंडरस्टैंड, ये सवाल मुझे 12th वालों ने भी पूछा था. एंड दैट इज मंडे क्लास है या नहीं, क्योंकि मंडे रक्षाबंधन है और एल्मनक के हिसाब से जनरली छुट्टी होता है. तो बाकी देखते हैं हाउ डज द और व्हाट डज द मैनेजमेंट डिसाइड रियली वेदर देयर आर क्लासेस और नॉट ऑन मंडे. क्योंकि कई बार मैनेजमेंट का डिसीजन इस तरीके से भी हो जाता है कि दैट अभी भी तो छुट्टी है, सब तो घर में बैठे हैं, ठीक है ना? सो इंटरप्रिटेशन इज वेरी, यू मे और मे नॉट एग्री टू देयर इंटरप्रिटेशन, बट मे बी यस. अच्छा हाँ, तो लाइक एक इंपॉर्टेंट चीज मुझे याद दिला दिया सोम ने, याद दिला दिया मुझे, दैट इज सीपीटी सिलेबस. पहली बात तो जैसे आज फ्राइडे, नेक्स्ट थर्सडे इज मैथ सीपीटी, ठीक है? उसके नेक्स्ट, फिर जो नेक्स्ट आता है उसके बाद नेक्स्ट टू नेक्स्ट वो फिजिक्स का ही है. नहीं थर्सडे नहीं, सॉरी वेडनेसडे, ठीक है ना? वेडनेसडे इज मैथ सीपीटी और उसके बाद नेक्स्ट वाले वेडनेसडे में फिजिक्स सीपीटी होगा और उसका सिलेबस होगा मोशन इन 2D प्लस न्यूटन्स लॉज विदाउट फ्रिक्शन, ठीक है ना? प्लस लॉज ऑफ मोशन बट विदाउट फ्रिक्शन. ये थोड़ा नोट कर लो, विदाउट फ्रिक्शन मैंने मेंशन किया, यानी फ्रिक्शन वाला पार्ट सीपीटी में नहीं आएगा. नाउ यू माइट से फ्रिक्शन तो हमने कर लिया लेकिन एक दो बैच थोड़ा सा आगे पीछे है, कुछ बैचेस में ये भी खत्म हो चुका है जो हम लोग कर रहे हैं और एक दो बैचेस में जो है थोड़ा पीछे है. और सीपीटी का सिलेबस पूरे स्कूल में यूनिफॉर्म होता है अक्रॉस बैचेस, तो therefore we have taken the lowest denominator in the sense की जो सब जगह कवर हो गया. तो accordingly अगर देखें तो in that case without friction is what we have decided, ठीक है ना? So that's the syllabus for you, ठीक है? Deham is asked what about circular motion. In fact Aryan has also asked another question that was regarding yesterday. तो मैं वो दोनों पे आ रहा हूँ. Circular motion है या नहीं? Circular motion है बट एज आई सेड विदाउट फ्रिक्शन, ठीक है ना? तो नो फ्रिक्शन सर्कुलर मोशन है, तो लाइक फ्रिक्शन है ही नहीं, तो इसलिए फ्रिक्शन के बारे में क्या बोलेंगे? सर्कुलर मोशन काइनेमेटिक्स यस, बट नो फ्रिक्शन इन्वॉल्व, यानी जहां जहां फ्रिक्शन है उसको हटा दो. नो फ्रिक्शन, दैट्स द केस, ठीक है? क्रेश अजीज ने फ्लम्बॉयंट स्टाइल हैज सेड जय हिंद. अभी जय हिंद तो नेक्स्ट मंथ आने वाला है. अरियंत जैन इज आस्क्ड कि सर्कुलर मोशन का डायनेमिक्स भी है क्या? सर्कुलर मोशन का डायनेमिक्स उतना ही है जितना कि बिना फ्रिक्शन का हो सकता है, ठीक है ना? जैसे मान लो हमने यस्टरडे वी डिड कॉनिकल पेंडुलम, दैट डज नॉट इन्वॉल्व एनी फ्रिक्शन एंड ऑल, तो वो है उस तरीके से, ठीक है? चलो आई थिंक लेट्स प्रोसीड नाउ. देयर इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम अरियन जैन एंड दैट इज
कि सिलेंडर का स्पीड क्या रिड्यूस नहीं होगा? देखो सिलेंडर का स्पीड अगर रिड्यूस करते हो ना, इन दैट केस इट इन्वॉल्व्स अ लिटिल बिट मोर मैथमेटिक्स दैट वी हैव नॉट रेड एज़ येट, एंड दैट इज रिगार्डिंग टॉर्क, मोमेंट ऑफ इनर्शिया. तो वो कॉन्सेप्ट्स अभी हमने पढ़ा नहीं, तो जब हम पढ़ेंगे तो सिलेंडर के ऊपर भी क्या असर होता है वो करेंगे. यानी येस्टरडे जो हमने हम लोगों ने डिस्कस किया, वट एवर वी डिस्कस येस्टरडे वॉज बेस्ड ऑन दिस फैक्ट दैट द सिलेंडर इज मेंटेन्ड एट कॉन्स्टेंट एंगुलर वेलोसिटी. ये मेंटेन किया जा रहा है. कैसे मेंटेन कर रहे हैं? मे बी इट इज अटैच टू अ मोटर, इट इज अटैच टू अ कन्वेयर बेल्ट. जैसे आटा चक्की में देखा होगा कन्वेयर बेल्ट होता है, आई एम श्योर यू मस्ट हैव सीन इट. तो उस तरीके से कोई अरेंजमेंट है, ऐसे ही मान लेते हैं. और जहां मैंने ज्यूम किया, ठीक है ना? तो सो मैं आस्क किया, कॉनिकल पेंडुलम भी आएंगे सीपीटी में. सी डोंट आई आस्क माइक्रो टॉपिक वाइज नाउ. द पॉइंट इज दैट सर्कुलर मोशन इज देयर, यस, बट ओनली दैट पार्ट विच डज नॉट इन्वॉल्व एनी फ्रिक्शन एनीवेयर. फ्रिक्शन है नहीं, विदाउट फ्रिक्शन है सीपीटी का सिलेबस. सो दैट्स द आई थिंक बेस्ट वे ऑफ लुकिंग एट इट, ठीक है ना? यस, कैरिंग विद अरियंत्स क्वेश्चन, आई मीन इज दैट सिलेंडर पे भी असर होता है. लेकिन अगर मान लो सिलेंडर को बाहर से कोई मोटर, कोई अरेंजमेंट से अगर मान लो सपोज मैंने ओमेगा को कॉन्स्टेंट मेंटेन किया, तब क्या होगा इज वॉट वी डिस्कस्ड यस्टरडे, ठीक है ना? आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट. फाइन, चलो आई थिंक लेट्स पुट ए ब्रेक देयर. मैं काम करता हूँ, मैं उस क्वेश्चन को थोड़ा सा और तरीके से एक बार रीडिजाइन कर देता हूँ. एंड दैट इज इसको एक बार घर में ट्राई करो, फिर इसको अगले क्लास में यानी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. तो ट्रीट दिस एज अ होमवर्क. एंड दैट इज सपोज द सिलेंडर इज मेंटेन्ड एट ओमेगा नॉट, और रेडियस आर है, और इस बार म्यू इज फ्रिक्शन ऑन ऑल सरफेस. कल हमने जो डिस्कस किया था, we took mu only on the floor in case one, and in case two, we took mu only on the curved surface area. अब मैं उसका scope और थोड़ा बढ़ा रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ एक बार घर में आराम से सोचो, अच्छे से सोचो, उसके graph आप बनाओ या जो भी interpretation करना है वो करो, and then maybe we will discuss, on whatever Monday or Tuesday, जब भी class होता है, hopefully Monday और नहीं तो फिर Tuesday discuss करें. Question क्या है? ये जो particle है, इसमें cases है. ये जो पार्टिकल है उसको इनिशियल वेलोसिटी मैंने दिया सपोज v नॉट, ठीक है? इनिशियल वेलोसिटी सपोज मैंने दिया v नॉट, और सपोज v नॉट केस ए, केस ए इज v नॉट ग्रेटर देन ओमेगा नॉट आर, बी v नॉट इक्वल टू ओमेगा नॉट आर, सी v नॉट लेस देन ओमेगा नॉट. ये तीन केसेस, ठीक है? बस एक हल्का सा हिंट मैं दे देता हूं इस दैट कि अगर मान लो v नॉट ग्रेटर देन ओमेगा नॉट आ रहा होगा, इन दैट केस दो फ्रिक्शन आएंगे, साइड वॉल से भी आएगा और फ्लोर से भी आएगा, क्योंकि इस बार मैंने म्यू कर दिया ऑल सरफेस, और दोनों मिलके उसको रिटार्ड कराएगा. तो ध्यान से सुनना इस चीज को, मैं इससे ज्यादा नहीं बात करूंगा आज, इसके बाद हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्लास. बस मैं थोड़ा सा इनिशिएशन कर देता हूं, आई होप दैट विल हेल्प यू इन थिंकिंग बेटर. हाँ हाँ, लेकिन इसके पहले मैं एक चीज को और आंसर दे देता हूँ. दे हैव जस्ट एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एंड दैट इज क्या सीपीटी का पैटर्न पहले जैसे होगा? द आंसर इज नो. द पैटर्न ऑफ सीपीटी इज बीइंग चेंज्ड स्लाइटली, इट इज बीइंग मेड इन द सेम पैटर्न एज इट वॉज देयर इन स्कूल. जैसे अभी लास्ट के जो एक दो सीपीटी हुआ है, इंक्लूडिंग 11th एज वेल एज इन 12th, में इट वॉज मेड प्योरली ऑब्जेक्टिव. I think कुछ 15-20 क्वेश्चन होते थे और एक घंटे का टाइम होता था और उतने देर में आंसर आ. अब थोड़ा सा पैटर्न में चेंज किया जा रहा है. पैटर्न में चेंज इस तरह से किया जा रहा है कि there will be single choice questions, there will be integer type questions, there will be comprehension passage, हर type के क्वेश्चन होंगे, और उसके बाद जो है कुछ सब्जेक्टिव भी होंगे जिसमें तुमको आंसर लिखना पड़ेगा. और कैसे सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव अलग से अपलोड करना and all those things that you are now everybody is aware of, I don't think that will be a big headache. तो उस तरीके से अब थोड़ा सा पैटर्न में चेंज आ रहा है. मुझे एग्जैक्ट पैटर्न इस वक्त याद नहीं आ रहा है, मैं मोटा मोटा बता देता हूँ. शायद 8 क्वेश्चन सिंगल चॉइस, 5 क्वेश्चन मोर देन वन चॉइस वाले, वन और मोर देन वन, और कंप्रिहेंशन पैसेज शायद एक या दो है,
इंटीजर टाइप के भी आई थिंक 5 क्वेश्चंस है और 10 नंबर के सब्जेक्टिव क्वेश्चंस है. अब मुझे एग्जैक्ट पैटर्न याद नहीं, शायद 2 नंबर के 2 क्वेश्चन और 3 नंबर के 2 क्वेश्चन ऐसे कुछ है. तो यू मे और मे नॉट रिमेम्बर व्हाट आई जस्ट सेड, आई मीन, बट डोंट वरी. अब मैं ये सब सारे डिटेल्स में बाद में शेयर करूंगा, ठीक है? तो लाइक लेट्स नॉट स्पेंड एनी मोर टाइम ऑन दैट, बट यस द पैटर्न विल बी चेंज स्लाइट क्योंकि 12th का ऑलरेडी इंप्लीमेंट किया जा रहा है, इस हफ्ते से पैटर्न चेंज हो रहा है. आई एम श्योर वो चीज शायद 11th में भी करेंगे. दिस व्हाट माय गेस इज. अब होगा पैटर्न चेंज या नहीं होगा, आई विल कंफर्म इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है? कमिंग बैक टू दिस, तो लाइक अगर वी नॉट ग्रेटर देन ओमेगा नॉट आ रहा है, और जरा देखो दोनों सेम डायरेक्शन में, यानी ओमेगा नॉट उधर तो वी भी इधर, तो इन दैट केस क्या हो रहा है, दो फ्रिक्शन आएंगे साइड वॉल से फ्लोर से, दोनों मिल के रिटार्ड कराएंगे. ये मैं टी इज इक्वल टू जीरो की बात कर रहा हूं. सेकेंड केस, वी नॉट इज इक्वल टू ओमेगा नॉट आर. अगर वी नॉट इज इक्वल टू ओमेगा नॉट आर होगा तो इन दैट केस टी इज इक्वल टू जीरो पे वॉल से कोई फ्रिक्शन नहीं होगा. क्यों? दोनों के साथ साथ चल रहे तो वॉल से कोई फ्रिक्शन नहीं, लेकिन हाँ फ्लोर पे फ्रिक्शन मिलेगा, जिस चक्कर में क्या होगा, वेलोसिटी घटेगा. जैसे ही वेलोसिटी घट जाएगा तो अब वो बन जाएगा थर्ड केस. थर्ड केस में क्या हो रहा है, नाउ वी नॉट लेस देन ओमेगा नॉट आर, वी नॉट इज लेस देन ओमेगा नॉट आर. तो इस बार जो वॉल का फ्रिक्शन है वो उसको एक्सेलरेट करने का कोशिश करेगा. दोबारा सुनना ध्यान से, थर्ड वाला केस सबसे इंटरेस्टिंग है. अगर मान लो वी नॉट लेस देन ओमेगा नॉट आर है, इन दैट केस वॉल वाला जो फ्रिक्शन आएगा, ठीक है ना, वो उसको एक्सेलरेट करने का कोशिश करेगा, और जो फ्लोर वाला फ्रिक्शन होगा वो उसको रिटार्ड करने का कोशिश करेगा. सो देयर आर टू अपोजिंग एक्शंस इन प्लेस, और उसका नेट रिजल्ट क्या होगा आई डोंट नो. क्यों? अभी डिपेंड करता है कि डोमिनेटिंग कौन है. मान लो ओमेगा नॉट बहुत ज्यादा हाई है, सपोज जस्ट गिविंग ए केस एंड सो ऑन, तो देन व्हाट विल हैपन. और अगर वी नॉट बहुत कम है, आई मीन आई एम नॉट स्पेक्यूलेटिंग एनीथिंग, तो यू नाउ डिसाइड व्हाट हैज टू बी डन. तो अकॉर्डिंगली जो है इसके सोल्यूशन हम निकालेंगे, ठीक है ना. तो अभी मैं कोई कमेंट नहीं कर रहा हूँ इस पे, अभी इस पे कोई कमेंट नहीं कर रहा हूँ. बट हाँ, थर्ड वाले केस में दो अपोजिंग फ्रिक्शन होगा, एक उसको एक्सेलरेट करने का कोशिश कर रहा है, वो है साइड वॉल का फ्रिक्शन. साइड वॉल का फ्रिक्शन उसको एक्सेलरेट करने का कोशिश करेगा, और जो फ्लोर का फ्रिक्शन है वो उसको रिटार्ड करने का कोशिश करेगा. तो नेट रिजल्ट क्या होगा, वेल आई डोंट वॉन्ट टू प्रेडिक्ट, यू हैव टू लुक दैट एट दैट मैथमेटिकली and then decide accordingly. तो ये इसका एक you can say structural discussion था. I hope it helped you in initiating your mathematics and whatever else you required to finally give it a more concrete shape. I mean, ठीक है ना? And try it at home in your spare time in the weekends. We will discuss it next week. ठीक है? चलो, आज के लिए इतना ही करते हैं. अब आगे बढ़ते हैं. Aryant has asked कि why friction is acting on the ground in second case. ना सेकेंड केस में देखो वी नॉट तो है ना, ग्राउंड तो रेस्ट पे है ना. तो ग्राउंड अगर रेस्ट पे है और अगर मान लो वी नॉट यू जा रहे ऐसे करके, तो ग्राउंड पे तो बेटे फ्रिक्शन आएगा ना आर्यन, एक बार चेक करो जरा. आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट, है ना. ग्राउंड पे तो फ्रिक्शन आएगा ना, क्योंकि ग्राउंड रेस्ट पे है, तो ग्राउंड के रिलेटेड तो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है. लेकिन टी इज इक्वल टू जीरो पे क्या बोलते हैं, सिलेंडर के वॉल के अगेंस्ट मूव नहीं कर रहा रिलेटिव, तो वो एफ साथ में जा रहा है. वो भी सिर्फ एक इंस्टेंट के लिए टी इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि जैसे टी इज इक्वल टू जीरो प्लस होगा तो ग्राउंड ने तब तक उसको रिटार्ड करा दिया होगा, वेलोसिटी कम हो गया होगा. सो देयरफॉर इवन इफ यू स्टार्ट विद बी, इवन इफ यू स्टार्ट विद बी, इट इज ओनली फॉर वन इंस्टेंट. चलो ठीक है, एक काम करता हूं, मैं बी को एक और पर्सपेक्टिव से देखता हूं. बी वाले केस में एक काम करो, फ्लोर का फ्रिक्शन गायब कर दो. बी वाले केस में फ्लोर का फ्रिक्शन गायब कर दो. In that case, क्या होगा बताओ. So let it be open-ended question. I'm not asking anything specific. Let's see what ideas you are generating. Suppose एक second के लिए मैंने friction floor का गायब कर दिया. Floor का friction गायब हो गया और B वाले केस में wall का friction है. So this mu is only on the wall. Suppose अब मैं question को change कर रहा हूँ. ये तो जो बोलना था वो मैं बोल चुका हूँ. Discussion आप करेंगे अब next week. मैं कह रहा हूँ कि B वाले केस में suppose फ्लोर में कोई फ्रिक्शन नहीं है तो क्या होगा. यस क्विकली आंसर. ओके हाँ, अब मैं समझ गया. एक्चुअली क्या है ना, ओके सुनो, ये जो क्वेश्चन मैंने दिया था इसको थोड़ा समझो. ये जो मैंने क्वेश्चन दिया था ना इसको थोड़ा समझो.
मैंने क्वेश्चन ये दिया था कि वॉल यानी फ्लोर अलग है और सिलेंडर एक खोखला सिलेंडर है. तो दैट मींस द सिलेंडर दैट आई हैव टेकन, मैं समझ गया, द सिलेंडर दैट आई हैव टेकन वाज दिस. सो इट्स जस्ट अ प्लेन हॉलो सिलेंडर विदाउट एनी बेस, नो बेस. बेस क्या है? फ्लोर है. बेस क्या है? फ्लोर है. तो फ्लोर अलग हो रहा है और सिलेंडर एक खोखला सिलेंडर है, नीचे कोई बेस नहीं है, खाली है. मैंने वो क्वेश्चन दिया इसके, ध्यान रखना थोड़ा सा, ठीक है ना? आई गॉट योर इंटरप्रिटेशन नाउ. मैं समझ गया तुम क्या सोच रहे हो, तो मैंने थोड़ा अलग तरीके से दिया. Oh, in the meanwhile, एक और क्वेश्चन भी आया that is relevant. Let's just discuss it one minute. And that is Aditya Mathur has asked a question. नहीं, देहम ने भी पूछा. देहम ने पूछा क्या Google Classroom में होगा? तो my hunch and my guess is कि शायद वैसे ही होगा जैसे SVT हुआ, कि Google Classroom में कुछ ऑब्जेक्टिव होगा, सब्जेक्टिव होगा and then as per the thing अपलोड होगा. Aditya Mathur has asked a question that is क्या सब्जेक्टिव में किस एक्सटेंट तक एक्सप्लेन करना होता? Now this is a tricky question actually. देखो, मैं इसका explanation वही दूंगा जो मैंने उस दिन दिया. Imagine करो कि you are writing for a person who knows the topic but does not know the answer to this particular question. उसके हिसाब से answer करना होता है और थोड़ा सा marks के हिसाब से उसका length decide करना. मैं बार बार ये example देता हूं कि Newton's law के ऊपर 3 line का एक definition भी दिया जा सकता है और 300 पेज का एक किताब भी लिखा जा सकता है, या नहीं? तो therefore, if I just ask you what is Newton's law, तो उस पे एक 300 पेज का किताब लिखा जा सकता है, सारे लॉज को लेके डिटेल एक्सप्लेनेशन, एग्जांपल्स, क्वेश्चन, सॉल्यूशन, आंसर, दिस दैट. लेकिन एक 3 line का आंसर भी हो सकता है कि न्यूटन्स का कोई भी लॉ ले लो, जैसे सेकंड लॉ का लेना है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंट ऑफ दिस, 3 line में खत्म हो गया. तो अब ये कितना लिखना चाहिए इज डिसाइडेड पार्टली बाय मार्क्स, बट द थीम इन माइंड इज द सेम, कि मैं उस पर्सन के लिए लिख रहा हूं जिस पर्सन को टॉपिक मालूम है लेकिन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर नहीं मालूम, वो सोच के लिख रहा हूं. दैट इज ऑलवेज द वे टू थिंक, ठीक है? चलो लेट्स प्रोसीड नाउ. यानी इस बार क्या होगा, इस बार फ्लोर पे तो कोई फ्रिक्शन ही नहीं है और क्योंकि वॉल और ये एक साथ मूव कर रहे हैं, यानी क्या होगा अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा मॉड ऑफ वी नॉट का, ये हो गया केस बी का आंसर इफ फ्लोर डज नॉट हैव एनी फ्रिक्शन. ये हो गया केस बी का आंसर इफ द फ्लोर डज नॉट हैव एनी फ्रिक्शन. ठीक है, आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट. चलो एनीवे, आई थिंक लेट्स पुट एन एंड टू द डिस्कशन हियर. We will carry on with something else today. This thing we are going to discuss again in the next week. तब तक थोड़ा सा अपना mathematics वगैरह generate करके रखना. If possible, maybe you can send also so that I can have a look during the weekends. Next question. Today's discussion is a little different, and that is, suppose मैंने क्या किया? एक object लिया. M mass का है. Mu friction है wall पे. So what is the F minimum to stop? ठीक है. So let's start with mu is equal to 0 to stop. क्या आंसर होगा? So my last is constant ध्रुव कहनी आया, that's right. Sir, एक horizontal. ध्रुव शर्मा मिनट से ऐसे can't stop it. Aryan says कि infinite. Aditya Mathur says infinite. ठीक है. इस केस में obviously problem क्या है? Weight downwards है. हम तो लगा रहे horizontal force. इसलिए तो बैलेंस हो नहीं सकता, यानी इसको तो नीचे आना पड़ेगा. एज फार एज थ्योरेटिकल आंसर इज कंसर्न, बिल्कुल सही है. तो इसलिए काम करो, म्यू 0 रखने का तो कोई सेंस नहीं बनता. तो यानी म्यू है सपोज, इन दैट केस क्या होगा, ना जो भी फोर्स मैं लगाऊंगा उसी का नॉर्मलाइजेशन मिलेगा. तो ये किस तरह फोर्स हो जाएगा, म्यू एफ, एंड दैट मस्ट बी इक्वल टू होल्ड द एमजी. यानी एफ मिनिमम क्या हो गया ना, एमजी बाय म्यू. सिंपल. चलो लेट्स प्रोसीड. अब मैं काम करता हूं,
एफ मिनिमम टू मूव अप, यानी अब अपवर्ड मूवमेंट की बात चल रहा है। सर ये फोर्स कैसे लग रहा है? ये दिया ना डायरेक्शन, थीटा एंगल, थीटा दिया हुआ है, एफ मिनिमम पूछा है, लेकिन एफ मिनिमम होल्ड करने के लिए नहीं पूछा है कि मिनिमम क्या फोर्स दिया जाए कि ये ऊपर की तरफ चला जाए, ठीक है। तो एक काम करो, थीटा ना विथ रेस्पेक्ट टू वर्टिकल ही ले लो, चलो छोड़ो, ठीक है। पिछले क्वेश्चन का आंसर जब मैंने फ्रिक्शन नहीं दिया था तो उसका आंसर इनफाइनाइट बहुत लोगों ने दिया है, हर्षित, ध्रुव शर्मा, ध्रुव गुप्ता, ऋषभ जैन, सोम, और ये तो बाद में दिए, और शुरू शुरू में आंसर दे दिए थे आदित्य माथुर, अरियन जैन, इवन सोम दत्ता आल्सो शुरू शुरू में दिए थे। अब क्वेश्चन है एफ मिनिमम रिक्वायर्ड टू मूव दिस बॉडी अप, तो ऊपर की तरफ कौन सा फोर्स है? एफ कॉस थीटा, cos theta एंगल के साथ, और इसका हो गया एफ साइन थीटा, यानी एफ कॉस थीटा, और इस तरफ हो जाएगा म्यू इंटू एफ साइन थीटा, और एक एमजी भी। तो ये जो वर्टिकली अपवर्ड कंपोनेंट है एफ कॉस थीटा, दैट शुड बी जस्ट इक्वल टू व्हाट? एमजी प्लस म्यू इंटू एफ साइन थीटा, सिंपल केस तो ये बनता है। दैट्स व्हाई कृष्णनगर ने दिया, देहम राजवंशी ने भी दिया, हरियन चैन ने भी दिया, ध्रुव ने भी दिया, कुछ कुछ आंसर आ चुके हैं। आदित्य माथुर ने सबसे पहले दिया, इनफैक्ट mg by cos theta minus mu sin, तो ये आ गया, यानी f is equal to mg by cos theta minus mu sin। सर मैंने तो गलती से max का दे दिया। हाँ बेटा, मैंने max का दे दिया गलती से। नहीं तो max का तो अलग चीज हो गया, मैं उस पे आ रहा हूँ, ठीक है ना, cos theta minus mu sin theta। अब इस पे एक चीज ध्यान रखना is that ये f कहीं नेगेटिव ना आ जाए, वो भी हमें देखना पड़ेगा, ठीक है ना, ये f कहीं नेगेटिव ना आ जाए तो वो भी ध्यान रखना पड़ेगा। इसलिए एक और कंडीशन क्या है, क्योंकि ये वैलिड भी तो होना चाहिए ना, f मिनिमम टू मूव अप वैलिड भी तो होना चाहिए, तो ये म्यू पे भी डिपेंड करता है। क्यों? क्योंकि जरा याद करके देखो, एक हमने एक सिचुएशन डिस्कस किए थे कि अगर ऐसे क्वेश्चन में अगर मैं पूछूंगा व्हाट इज द मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव, तो एक चीज याद करके देखो, ऐसे भी आया था केस कि ये शायद मूव ही ना करे। क्यों? क्योंकि अगर मान लो फोर्स कुछ ज्यादा ही ऐसे लगाओगे इंस्टेड ऑफ दिस, देखो ऐसे लगाने से मेरे फेवर में होता है, यानी मूवमेंट के फेवर में होता है, ऐसे लगाने से मूवमेंट के फेवर में नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ऐसे में क्या होता है, तुमने अगर फोर्स कुछ ज्यादा ही वर्टिकल के आसपास लगा दिया तो ये नॉर्मल एक्शन को ज्यादा बढ़ा देता है, और उसको जो सामने मूव कराने वाला जो कंपोनेंट है वो पतला कम पड़ जाता है, तो वो केस का भी ध्यान रखना पड़ेगा। सो देयरफॉर जस्ट बिकॉज आई हैव आस्क्ड कि एफ मिनिमम टू मूव अप एट एन एंगल थीटा, तो डज नॉट मीन कि ये मैं मूव अप करा पाऊंगा। क्यों? क्योंकि अगर थीटा बहुत ज्यादा होगा, थीटा अगर बहुत ज्यादा होगा, इन दैट केस क्या होगा, थीटा बहुत ज्यादा का मतलब क्या, तो मैं समझ ऐसे फोर्स लगा रहा हूं, यानी इतने इंक्लाइन पे अगर फोर्स लगाओगे तो इसका तो थोड़ा सा ही कंपोनेंट बचेगा ऊपर के लिए, और दबाने वाला फोर्स यानी नॉर्मलेशन क्रिएट करने वाला फोर्स कुछ ज्यादा ही हो जाएगा। यानी डोंट जस्ट लीव दिस आंसर लाइक दिस, इसके लिए कंडीशन भी बताना पड़ेगा। क्या कंडीशन है? कंडीशन है दैट दिस मस्ट बी पॉजिटिव, यानी कॉस थीटा शुड बी ग्रेटर देन न्यू साइन थीटा, समझे ना। ये अगर तुम फाई के टर्म्स में लिखोगे तो इन दैट केस क्या होगा ना, ये साइन थीटा साइन फाई हो जाएगा, साइन फाई ग्रेटर देन न्यू कॉस फाई, यानी टैन फाई शुड बी ग्रेटर देन न्यू, तो ये भी एक कंडीशन है, ठीक है ना। अरियन दास की, क्या थीटा को मैं फिक्स या वेरी कर रहा हूं? नहीं, थीटा फिक्स है, थीटा फिक्स है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि थीटा फिक्स के बाद अगर मान लो मेरे से पूछा जाए
कि क्या मिनिमम फोर्स लगाएंगे, तो मैं बोलूंगा पहले मुझे थीटा का चेक करने दो या फाई का चेक करने दो। थीटा फाई बात बराबर ही है, थीटा प्लस फाई इज 90 डिग्री, तो लाइक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से चेकिंग जैसे मर्जी कर लो। यानी टेन फाई हैज टू बी ग्रेटर देन म्यू। अब म्यू क्या होता है, टेन थीटा, तो म्यू को तो जनरली हम लोग लिखते हैं टेन थीटा। तो यानी कंडीशन आ गया कि टेन फाई शुड बी ग्रेटर देन टेन थीटा, यानी फाई शुड बी ग्रेटर देन थीटा। यानी अगर मान लो मैं क्वेश्चन पूछता हूं कि भाई मिनिमम क्या फोर्स लगा जाए कि ऊपर चलने लगे, तो मैं पहले चेक करूंगा क्या कि क्या फाई ग्रेटर देन थीटा है या नहीं। अगर फाई ग्रेटर देन थीटा है ओनली देन आई विल गिव दिस आंसर। यानी ये आंसर यूनिवर्सल नहीं है, ये हो जाएगा इफ फाई इज ग्रेटर देन थीटा। सर एक बार वेटिंग रूम चेक कर लो। हाँ ठीक है, यानी ये आंसर जो दे रहे हो ठीक है, मैं आंसर बिल्कुल तैयार हूं एक्सेप्ट करने के लिए, बस एक कंडीशन जरूर डाल देना क्यों, अदरवाइज क्या होगा, सॉल्व ही नहीं होगा, तो आंसर क्या होगा, इम्पॉसिबल है। तो यानी अगर मान लो फाई, सो देयरफॉर इफ फाई इज लेस देन थीटा, यानी इम्पॉसिबल, बस ये ध्यान रखना। आई होप द सिचुएशन इज क्लियर। सो मैं आज की फिर से बता दो, देखो मैं इसके फिजिक्स से इंटरप्रेट कर रहा था इस दैट कि अगर मान लो फोर्स, अच्छा चलो ठीक है एक चीज बताओ, अगर मैं फोर्स एकदम वर्टिकली दूंगा, मतलब मैं हॉरिजॉन्टली दूंगा, लेट्स वर्टिकल मींस वॉल से वर्टिकल, यानी हॉरिजॉन्टल दूंगा, और फिर मैं ये सवाल पूछूंगा बताओ कितना फोर्स लगा जाए कि ऊपर चले, तो क्या होगा, जाएगा ही नहीं कभी। क्यों? अगर फोर्स हॉरिजॉन्टल दे रहे हो इसका मतलब उसका तो वर्टिकल कंपोनेंट ही नहीं है। चलो ठीक है हॉरिजॉन्टल नहीं देता हूं, मैं हॉरिजॉन्टल के जगह एक डिग्री इंक्लाइन करता हूं, एक डिग्री, तो उससे क्या होगा, बहुत मामूली से एक ऊपर की तरफ फोर्स होगा, और ऊपर से तुम दबाए जा रहे हो, यानी कोई मदद तो कर नहीं रहे ऊपर जाने में, ऊपर से नॉर्मल एक्शन बढ़ा रहे हो, यानी फ्रिक्शन बढ़ा रहे हो जो कि उसको ऊपर जाने से रोकेगा, वेट तो रोक ही रहा है ऊपर से फ्रिक्शन भी रोक रहा है, यानी क्या होगा, तुम कर ही नहीं पाओगे। अगर मान लो हॉरिजॉन्टल की जगह एक डिग्री इंक्लाइन भी करोगे तो भी देखना तुम इस पे इसको ऊपर नहीं ले जा सकते। तो यानी कुछ ऐसे करना पड़ेगा कि एक सफिशियंट एंगल रखना पड़ेगा, मैं उसके बारे में कमेंट कर रहा था, यही चीज कि अगर फाई लेस देन थीटा हुआ, ये फाई है ठीक है ना, फाई अगर लेस देन थीटा होगा ये फाई है, तो दैट केस ये इम्पॉसिबल केस है, तुम उसको ऊपर ले ही नहीं जा सकते चाहे कितना भी फोर्स लगा। क्यों? लॉजिक वही है जो मैंने एकदम शुरू शुरू में समझाया था कि अगर तुमने कुछ ऐसे ही ज्यादा ऐसे कर दिया तो दैट केस दबाने वाला फोर्स ज्यादा हो जाता है, नॉर्मल एक्शन ज्यादा हो जाता है, उसके चक्कर में जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है वो बढ़ जाता है, और जो कॉम्पोनेंट उसको मदद करता है जाने में, ले जाने में, वो बहुत कम पड़ जाता है, तो यानी तुम मूव नहीं करा पाओगे। चलो ठीक है, सो दैट वाज अबाउट वन सिंगल ऑब्जेक्ट, आई होप द मैटर इज क्लियर। अगर कोई और क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो। अरे क्या थीटा को मैं वेरी करा रहा हूं? नहीं वेरी नहीं करा रहा हूं, इट इज जस्ट दैट ये कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, वेरी नहीं करा रहा, सेम एक्ट कर रहा है। चलो नाउ लेट्स प्रोसीड। अब हम एक काम करते हैं, इस पे रखते हैं दो ब्लॉक्स और स्टार्ट करते हैं म्यू इज इक्वल टू जीरो से। सपोज यहां पे फ्रिक्शन है म्यू और इस पे एम वन, इसमें होगा क्या, क्या हो सकता है बताओ। मेरे कहने का मतलब, इज इट पॉसिबल दैट ये नीचे ए वन से गिर रहा है, ये ए टू से गिर रहा है, ए वन इज इक्वल टू ए टू, ए वन ग्रेटर देन ए टू और ए वन लेस देन ए टू। माइंड यू अभी फिलहाल मैंने वॉल को फ्रिक्शन लेस लिया, पर इनके बीच में फ्रिक्शन अवेलेबल है, तो ऐसे केस में बताओ कौन सा केस पॉसिबल है, ए बी सी, या एक और आंसर भी हो सकता है कि तीनों में से हर कोई पॉसिबल है, बस ये कि डिपेंड करेगा कि इसका मास कम ज्यादा वगैरह वगैरह इस टाइप के, एंड देयरफॉर ऑल थ्री आर पॉसिबल, ये भी आंसर हो सकता है, और ये भी आंसर हो सकते नहीं, ए तो हो ही नहीं सकता या बी नहीं हो सकता तो सिर्फ ए और सी, या ए और सी नहीं हो सकता सिर्फ बी हो सकता है, एनी काइंड ऑफ आंसर इज पॉसिबल। मैं इसलिए पूछ रहा हूं विच वन ऑफ देम आर पॉसिबल, सो पॉसिबिलिटी बताना। देखो मैं एक न्यूमेरिकल बना के दे सकता हूं, मैं एक न्यूमेरिकल बना के दे सकता हूं, 5 किलो 3 किलो म्यू 0.5 एक तरफ का म्यू 0, पर उससे क्या होगा, वो एक केस होगा। व्हाट आई एम डूइंग नाउ इज दैट आई एम डूइंग अ जनरल डिस्कशन, कुछ भी क्वेश्चन आ जाए
तो हमारा माइंडसेट तैयार रहेगा कि हाँ ये पॉसिबिलिटी है, तो देखो इंटरप्रेट करेंगे और अकॉर्डिंगली आंसर देंगे। चलो गो अहेड। ओके, ध्रुव शर्मा एक पहला आंसर दिया, दैट इज देखो इक्विलिब्रियम तो हो नहीं सकता, चलो एक्सेप्टेड। देव देवते सेइंग इज ए और बी हो सकता है, प्रोबेबिलिटी 2/3। गुड, देखो अगर तुम्हारा आंसर सही है तो दैट प्रोबेबिलिटी आंसर है लाइक। चलो ठीक है। आदित्य माथुरी सेइंग डिपेंड्स ऑन मास, हाँ ठीक है, तो डिपेंड ऑन मास आदित्य, तो इन दैट केस क्या तीनों पॉसिबिलिटी है और मास पे डिपेंडेंट है, या मास अगर हेरा फेरी करोगे इन दैट केस, या इवन फ्रिक्शन भी हेरा फेरी करोगे इन दैट केस, यही एक आध पॉसिबिलिटी है या दो पॉसिबिलिटी है या तीनों पॉसिबल है। आदित्य माथुर प्लीज आंसर लिखे। कुमार आदित्य से यू इज इक्वल टू जीरो है क्या? हाँ, इनिशियली रेस से स्टार्ट हुआ है, और वैसे भी मैंने तो एक्सेलेरेशन पूछा है, तो U से तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, मतलब इनिशियली दोनों साथ होना चाहिए बस। अरियन सेज की सी इज नॉट पॉसिबल, सोम सेज की बी और सी पॉसिबल है, इशिता सेज की ऑल आर पॉसिबल, गर्भ सेज की ए और बी पॉसिबल है, अरियन सेज की इज फोर्स एक्टिंग कंटिन्यूअसली, यस फोर्स इज एक्टिंग कंटिन्यूअसली, वो ऑब्जेक्ट अगर नीचे भी जाएगा तो फोर्स कंटिन्यूअसली एक्ट कर, ठीक है। कुमार आदित्य सेज की ए और बी हो सकता है, क्रिश सेज ए और बी हो सकता है, ऋषभ भी सेज ए और बी हो सकता है, यानी सी के लिए बहुत लोग वो नहीं कर रहे हैं, एग्री नहीं कर रहे, ठीक है। हर्षित लोहानी केतव एवरीबॉडी सेइंग कि ए भी पॉसिबल है, सी पॉसिबल नहीं है। चलो मैं एक काम करता हूँ, क्योंकि सी कईयों ने बोला पॉसिबल नहीं है, एक दो ने छोड़ के एक दो जने ने बोला कि सी तो पॉसिबल है, ठीक है ना, बट कोई बात नहीं, तो मैं सी को ही पहले टारगेट कर कि ए वन लेस देन ए टू ये पॉसिबल नहीं है, दिस वॉट इज बिंग टोल्ड। मैं एक काम करता हूँ, इसको उल्टा कर देता हूँ, लेट अस अज्यूम कि ए वन लेस देन ए टू, मानने में क्या जाता, मानने में क्या जाता, अगर ए वन लेस देन ए टू होगा इन दैट केस क्या होगा, एम टू के रिलेटिवली ये ऊपर जा रहा है, मैंने रिलेटिव बोला, ये मत बोलने को ऊपर कैसे जाएगा, ऊपर तो जाएगा नहीं, वो मुझे ही मालूम। मैं कह रहा हूं अगर ए वन स्लो चल रहा है, ए वन लेस देन ए टू, तो अगर ए वन स्लो चल रहा है तो ए टू फास्ट चल रहा है, यानी एम टू के रेस्पेक्ट में ए वन इज गोइंग फास्ट, सॉरी ए वन इज गोइंग अप, आई मीन एम टू के रेस्पेक्ट में, तो अगर अप जा रहा है तो फ्रिक्शन क्या होगा, डाउन होगा, और इसका क्या होगा, इसका एम जी है और इसका फ्रिक्शन अप होगा। अब बताओ वेट के कारण जो एक्सेलेरेशन होता है वो जी डाउनवर्ड्स होता है, इसका क्या होगा ना, जी डाउनवर्ड्स है लेकिन थोड़ा फ्रिक्शन अपोज कर रहा है, यानी ए टू हैज टू बी व्हाट, लेस देन जी, तो इस केस में ए टू हैज टू बी लेस देन जी, और इस केस में, इस केस में नाउ अज्यूमिंग, अज्यूमिंग ए वन इज लेस देन ए टू, ये फ्री बॉडी डायग्राम होगा, आई होप यू आर गेटिंग द फ्री बॉडी डायग्राम, तो ऐसे केस में ए वन को ग्रेटर देन जी होना पड़ेगा। यानी अगर मान लो ये स्लो है और ये फास्ट है, तो यानी M2 रिलेटिवली डाउनवर्ड जा रहा है, तो इसलिए M2 पे फ्रिक्शन ऊपर की तरफ और दूसरे पे फ्रिक्शन नीचे की तरफ, ये होना पड़ेगा अगर ये होता है तो, और अगर ऐसे होगा इन दैट केस देखो वेट के बाद एक और फोर्स भी है, यानी इसका एक्सेलेरेशन ग्रेटर देन जी होगा और इसका एक्सेलेरेशन लेस देन जी होगा। अब बताओ मैंने अज्यूम क्या किया, ए वन लेस देन ए टू, और यहाँ तो ए वन ग्रेटर देन जी, ए टू लेस देन जी, यहाँ तो ए वन ग्रेटर देन ए टू, यानी बड़ा इंटरेस्टिंग आ गया कि ए वन ग्रेटर देन ए टू कब होगा, सॉरी ए वन लेस देन ए टू कब होगा, ए वन लेस देन ए टू तब होगा जब ए वन ग्रेटर देन ए टू, ये तो पॉसिबल नहीं है, यानी इसलिए बिल्कुल सही सोचा है, और ऑलमोस्ट सब लोगों ने आंसर ये दिया है, एवरीबॉडी इज सेइंग द सेम थिंग नाउ, एंड दैट इज सी इज नॉट पॉसिबल। अच्छा अरियंत ने बोला कि बी इज नॉट पॉसिबल, सोम ने बोला ए बी इज पॉसिबल, हर्षित ने भी बोला ए बी इज पॉसिबल, तो यानी क्या होगा, सी इज नॉट पॉसिबल, ये नहीं पॉसिबल, क्योंकि अगर मैं ए वन लेस देन ए टू, हाँ अगर मैं ए वन लेस देन ए टू ले लेता हूं, इन दैट केस ये फ्री बॉडी डायग्राम आता है, और उसका मतलब ये कि ए वन ग्रेटर देन ए टू होना पड़ेगा, यानी थ्री इज लेस देन फाइव तब होगा जब थ्री ग्रेटर देन फाइव होगा, ठीक है ना, तो यानी सी को हम हटा सकते हैं बड़े आराम से, ठीक है, चलो ठीक है। अच्छा ए वन इक्वल टू ए टू हो सकता है, दोनों इकट्ठे आ रहे, नो इश्यूज, आई डोंट थिंक देयर इज अ प्रॉब्लम, क्या ए वन ग्रेटर देन ए टू हो सकता है, क्या ए वन ग्रेटर देन ए टू हो सकता है, वो भी देख लेते हैं। अगर ए वन ग्रेटर देन ए टू होता है ना, तो यानी ये जल्दी नीचे जा रहा है रिलेटिवली, तो इसका फ्रिक्शन ऊपर की तरफ होगा, ठीक है ना, इसका फ्रिक्शन ऊपर की तरफ हो रहा है और इसका
नीचे की तरफ, क्यों? क्योंकि A1 ग्रेटर देन, तो नीचे जा रहा रिलेटिवली, तो फ्रिक्शन ऊपर की तरफ, तो दूसरा ही आ गया। तो अगर A1 ग्रेटर देन A2 होता है, इन दैट केस दिस विल बिकम लेस देन जी, क्यों? क्योंकि इसका वेट है, फ्रिक्शन ऊपर की तरफ है, और इसका क्या होगा, A2 विल बिकम ग्रेटर देन जी, यानी A1 विल बिकम लेस देन A2, यानी A1 ग्रेटर देन A2 कब हो रहा है, जब A1 लेस देन A2 होगा। देवन सेज की नहीं सर, वो गलत है, समझ गया। वो A1 ग्रेटर देन A2 डिपेंड्स ऑन मास। देखो मास पे अमाउंट तो ठीक है, लेकिन इस पे तो कोई डिस्प्यूट नहीं कर सकते हो ना, क्योंकि जो भी मास है उसके वजह से वेट होगा, ठीक है, मैं वो मना नहीं कर रहा हूं, पर अगर थोड़ा फ्रिक्शन ऐड हो जाता है या थोड़ा फ्रिक्शन कम हो जाता है, तो इन दैट केस क्या होगा, कंसीक्वेंस दिख रहा है तुमको, तो जिसे कम या तो जिसे ज्यादा एक्सेलरेशन होगा, यानी देखो अगर A1 ग्रेटर देन अज्यूम करते हो A2, इन दैट केस क्या रिजल्ट आ रहा है, A1 हैज टू बी लेस देन A2, यानी ये भी पॉसिबल नहीं है, तो यानी दिस इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल, सॉरी दिस इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल, यानी ये दोनों को इकट्ठे नीचे आना पड़ेगा, ठीक है। और कितने एक्सेलेरेशन से आएंगे, फर्स्ट वाले केस में कितने एक्सेलेरेशन जाएंगे, फर्स्ट वाले केस में बिल्कुल सही आंसर आदित्य माथुर ने दिया, दैट इज व्हाट जी, और किसी ने नहीं दिया अभी तक, इतना कठिन हो गया क्या? किसी बस एक बंदे ने दिया आंसर, सिर्फ आदित्य ने दिया, चलो ठीक है। अब और आंसर आ रहे हैं, गर मकर देहम ओम पाठक, ठीक है, ध्रुव शर्मा, हर्षित, सब आंसर देने लगे, एंड दैट इज व्हाट, कि बिल्कुल सही है, हर्षित ने दिया, ओम पाठक ने दिया, ठीक है, आयुष गुप्ता सर ने दे दिया। आयुष गुप्ता अपने मजाकिया अंदाज में बोला है कि सर जी। अब इसके क्या इंटरप्रेट करूं, ठीक है, यानी A1 इज इक्वल टू A2 हो जाएगा, और क्या होगा ना, जी आंसर होगा, यानी अगर वॉल पे फ्रिक्शन नहीं है, इन दैट केस A1 ग्रेटर देन A2 में भी प्रॉब्लम, और A1 लेस देन A2 में भी प्रॉब्लम, इसलिए क्या होगा, दोनों इकट्ठे एज ए सिंगल ब्लॉक नीचे आएंगे विद एन एक्सेलेरेशन ऑफ जी। ये हो गया हमारा कंक्लूजन, आई होप यू अंडरस्टूड द लॉजिक। नाउ देव तेहते सेइंग कि मैंने वो 2/3 प्रोबेबिलिटी बोला था, अब तो 1/3 हो गया। चलो कोई बात नहीं, अब क्या करें, वो एक्चुअली ना तुम लोगों ने तो प्रोबेबिलिटी पढ़ा ना, कंप्लीमेंट्री प्रोबेबिलिटी, कि अगर मान लो किसी शूटर का सपोज टारगेट हिट करने का प्रोबेबिलिटी 2/3 होता है, देरी टारगेट मिस करने का प्रोबेबिलिटी का 1/3, बात समझ रहे ना, तो देयरफॉर देहम व्हाट हैपेंड, देहम नहीं किसने बोला, देव तिवतिया, व्हाट प्रोबेबली हैपेंड वाज दैट तुमने सोचा कि 2/3 हिट करने का टारगेट है, बट वो 1/3 वाला निकल आया, है ना, चलो एनीवे लेट्स प्रोसीड। सो दैट वाज अबाउट फ्रिक्शनलेस सरफेस विद 2 ब्लॉक्स। अच्छा देखो, मैंने इसलिए कोई क्वेश्चन नहीं दिया कि 3 kg 5 kg, फिर थिंकिंग लिमिटेड हो जाता है, मैंने बिल्कुल M1 M2 और म्यू दे, नाउ हैंडल योर सेल्फ, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट इज दैट, अब मैं थोड़ा सा वैल्यूज दे रहा हूं क्योंकि अदरवाइज थोड़ा सा मुश्किल होगा। सपोज मैं कहता हूं कि ये 2m है, या m कर दो, चलो m है, म्यू है, और ये 2m है, और यहां पे 2μ है। तो पहला क्वेश्चन तो यही है कि f मिनिमम टू स्टॉप, अच्छा हाँ एक और क्वेश्चन है, ये अरियंत जैन ने पूछा, मैं बोलने वाला था बट समहाउ इट स्लिप्ड, आई मीन इज दैट पिछले केस में हमने देखा कि दोनों ब्लॉक्स इकट्ठे आएंगे, है ना, दोनों ब्लॉक्स इकट्ठे आएंगे और जी एक्सेलेरेशन से नीचे आएंगे। नाउ अरियंत हैज आस्क्ड द क्वेश्चन, वैसे तो थोड़ा ऑब्वियस भी है बट चलो ठीक है, फिर भी लेट्स डिस्कस इट, एंड दैट इज पिछले क्वेश्चन में क्या दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में कोई फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है, यस और नो? अब अरियंत ने खुद ही आंसर दे दिया नो। चलो ध्रुव सेज की यस,
ध्रुव गुप्ता सेज नो, आदित्य माथुर सेज नो, ध्रुव शर्मा नो, देहम नो, श्रेयसी सेज नॉट रिक्वायर्ड. चलो, नॉट अ बैड आंसर, गुड आंसर. नॉट आंसर मतलब नॉट रिक्वायर्ड इज ऑल्सो नॉट अ बैड आंसर, गुड आंसर. ठीक है, सबने सही आंसर दिया है ना. ध्रुव, आदित्य माथुर, ध्रुव शर्मा, देहम, सबने सही आंसर दे दिया. हर्षित, स्नेह अग्रवाल, एवरीबडी, दैट्स राइट. पिछले क्वेश्चन में वो जो मैंने फोर्स लगाया था उसमें उन दोनों ब्लॉक्स के बीच में कोई फ्रिक्शन एक्ट नहीं करेगा. यू माइट से फ्रिक्शन तो, लेकिन आपने दे रखा है. देखो, फ्रिक्शन का तो यही सबसे इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है, होते हुए भी कई बार नहीं बनता. तो क्या करूं अब, जैसे मान लो मैं स्टैंड कर रहा हूं, आई एम स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड लाइक दिस. क्या ग्राउंड में फ्रिक्शन अवेलेबल नहीं है? है ना. लेकिन इसका मतलब क्या जनरेट भी हो रहा है? नो. अगर फ्रिक्शन जनरेट होता तब तो मैं खिसक गया होता इधर उधर कहीं, क्योंकि हर जगह तो अकेला फ्रिक्शन ही हो सकता है. बट आज तो कुछ नहीं हो रहा, नाइसली स्टैंडिंग. सो देयर इज नो फ्रिक्शन जनरेटेड, दैट्स द पॉइंट. फ्रिक्शन अवेलेबल है बट जनरेट नहीं हो पा रहा. चलो ठीक है. देवतिया देसी भाषा में बोलते हैं ना, कहां फ्रिक्शन हो पाएगा. चलो गुड. हाँ जी, अब इस पे शुरू हो जाओ. एफ मिनिमम टू स्टॉप. अब शुरू करो इस क्वेश्चन को. यस, इसका आंसर दो. एफ मिनिमम टू स्टॉप दिस सिस्टम. मेरे लैपटॉप पे नजर है, क्योंकि मोबाइल में तो मैसेजेस दिखता नहीं, मोबाइल का स्क्रीन तो उस तरफ है, ठीक है ना, लेकिन लैपटॉप बगल में है. चलो ठीक है. कृष्णा अगर इसके बाद फर्स्ट आंसर है, दैट इज 3 mg/μ. आदित्य माथुर इज गिवन mg/μ. ओके, बहुत कम आंसर आया अभी तक. बाकी लोग क्या कह रहे हो? कुमार आदित्य mg/μ. ओके, यानी दोनों आदित्य ने, एक आदित्य कुमार एक आदित्य माथुर, तो दोनों ने सेम आंसर दिया. तो नाम भी सेम, आंसर भी सेम, mg/μ, बट अलग अलग सेक्टर में बैठे होंगे. रियल क्लासरूम में हो सकता है कि एक बेंच में भी बैठते, बट अब तो पॉसिबिलिटी है नहीं. चल, अभी तक तीन ही आंसर आया. एक 3 mg/μ आया और एक mg/μ आया और एक अभी आ रहा है ध्रुव शर्मा का भी mg/μ आया. चलो ठीक, लेट मी स्टार्ट. अरे ठीक देव, मैं समझ रहा हूँ वो mg/μ लिखना नहीं आता, वो सबके साथ ये, कोई भी म्यू नहीं लिखा, सबने यू लिखा. सोम, तुमने एक एम एक्स्ट्रा लगा दिया. ओके, सबका आंसर है यार mg/μ. सिर्फ क्रिश का आंसर है 3 mg/μ, बाकी सबने यही आंसर दिया mg/μ. और ध्रुव गुप्ता ने भी अभी यही आंसर दे दिया. सैयदार रिजवी, ओम पाठक, सोम, देहम, देव दवातिया, सबने वही आंसर दे दिया. स्नेह अग्रवाल, ध्रुव शर्मा. चलो ठीक है, अब मैं काम करता हूं, मैं शुरू करता हूं इस तरीके से कि पहले तो इसको बचाए भाई, पहले तो इसको चलने से रोके. तो इसको अगर चलने से रोकना है तो यानी ये जो 2 mg मास है और अगर यहाँ पे फोर्स एफ है और जस्ट चलने वाला है मतलब स्लिप करने वाला है, इन दैट केस क्या होगा, यहाँ पे जो फ्रिक्शन होगा वो होगा 2μf. यानी उस समय इसके ऊपर हो जाएगा 2μf. जस्ट चलने वाला है, हर पॉइंट पे जस्ट चलने वाला, स्लिप करने वाला, मिनिमम पे रखा हुआ, मतलब क्योंकि इससे कम रखो तो स्लिप करके नीचे आ जाएगा, तो वो एक अलग कहानी होगी. तो मान लो मैंने नहीं रखा, तो यानी लिमिटिंग फ्रिक्शन लगा रहा हूं 2μf, 2μf, और यहाँ पे हो गया mg, इसका तो mg है ना, और ये हो जाएगा फिर कितना, μ × f. ठीक है, तो देखो इसका क्या हो रहा है, 2 mg = 2μf. 2 mg = 2μf. तो उस हिसाब से अगर देखते हो तो f आ गया =mg/μ. बड़ा भी रुको, ये तो मिनिमम फोर्स चाहिए इसको रोकने के लिए, सिर्फ इसको रोकने से तो नहीं चलेगा ना, इसको भी तो रोकना है. तो इसके लिए क्या हिसाब हो जाएगा, इसका हो जाएगा mg+2μf.
इज इक्वल टू म्यू एन, ठीक है। देखो यानी अब देखो क्या आ रहा है, एफ इज इक्वल टू माइनस एम जी बाय म्यू, यानी क्या कंक्लूजन कर रहे हो बताओ जरा, क्या कंक्लूजन कर रहे हो कि इस f पे तो रुकेगा नहीं, ये तो नेगेटिव आ गया, मैं अगर ये लगा तो नेगेटिव आ गया, अगर तुमको पूरा रोकना है तो ये केस नहीं हो पाएगा, क्या करना पड़ेगा ना, पूरा अगर रोकना है तो ये पूरा सिस्टम ले लो, अब क्या हो गया 3mg आ गया और ये f है और ये क्या होगा म्यू f है, यानी अब f हो जाएगा इक्वल टू 3mg by mu. Now you might say कि लेकिन अगर मैं इसने इतना दे तो ये तो रुक गया, ये तो रुक गया, लेकिन ये नहीं रुक पाएगा, क्यों, क्योंकि देखो ना ये 2μf है और यहाँ पे मैक्सिमम μf हो सकता है, तो ये अगर मान लो इसका वेट नहीं भी होता ना तो भी देखो ये इसको नीचे लेके चला जाता, यानी mg by mu से ये सिस्टम नहीं रुकने वाला है, तुमको लग रहा होगा ये रुक गया पर नहीं रुका, देखो ना आंसर नेगेटिव आ गया, नेगेटिव कैसा आंसर हो सकता। So now you might say, now you might ask कि चलो ठीक है मैं इस आंसर को मान लेता हूं, मैं एक काम करता हूं इस आंसर को मान लेता हूं, सिचुएशन क्या होगा, सिचुएशन ये होगा कि यहां पे तो लिमिटिंग होगा, मैं बता देता हूं यहां पे लिमिटिंग हो जाएगा और यहां पे स्टैटिक हो जाएगा, सिचुएशन कैसे होगा ये देखो, ये mg यहाँ पे 3mg, क्यों म्यू इनटू दिस 3mg, ठीक है, और इसके ऊपर 2mg और इसका 2mg और इसका 2mg, देयरफॉर जस्ट बिकॉज कि तुमने इसको बचा लिया फोर्स देके इसके हिसाब से, इसको नहीं बचा पाओगे, इसको नहीं बचा पाओगे, ये स्लिप कर जाएगा, इसलिए mg बाय म्यू फोर्स से हमारा काम चलेगा नहीं, हमारा काम तब चलेगा जब 3mg by mu दोगे तब ये सिचुएशन रहेगा, समझे ना, यानी इसको काइनेटिक मत कर दो, मतलब इसको लिमिटिंग मत कर दो, ये लिमिटिंग पे जाएगा ही नहीं, अगर रोकना होगा ना तो यहां पे लिमिटिंग होगा और यहां पे स्टैटिक रहेगा, ये देखो ये लिमिटिंग और ये स्टैटिक, स्टैटिक कैसे ना, अगर तुम 3mg by mu देते हो तो यहां पे लिमिटिंग फ्रिक्शन के बाद 3mg होता, बट यहां पे लिमिटिंग हो थोड़ी हुआ, ये तो उससे कम आ रहा है, यानी स्टैटिक, तभी मैंने क्या लिखा, देखो यहाँ पे स्टैटिक होगा, ये लिमिटिंग होगा, यानी इसको रोकने के लिए 3mg by mu चाहिए ना कि mg by mu, एक बार और ध्यान से देख लो क्वेश्चन का आंसर, ज्यादातर लोगों ने mg by mu दिया है और mg by mu में क्या फ्लॉर है वो चेक कर, देखो f is equal to minus आ रहा है, वहां पे f is equal to plus आ रहा है, तो वो तो एक्सेप्टेबल नहीं है ना, दैट इज द प्रॉब्लम, ठीक है, एक बार चेक कर लो। अच्छा चलो मैं एक और हिंट देता हूं, जैसे मान लो एग्जाम में हो सकता है तुम बोला अरे बाप रे इतना डिटेल में एनालिसिस करना, हमें तो पता ही नहीं लगा, हमने तो इसको देखा और फट से आंसर लगा दिया, भाई देखो सबने तो एमजी बाय म्यू दिया ना, सिर्फ एक ही ने तो दिया था अपना 3mg बाय म्यू, आई थिंक कृष ने दिया था, सिर्फ कृष ने दिया था आंसर 3mg बाय म्यू, बाकी सबने एमजी बाय म्यू, अब मुझे नहीं पता कि कृष ने इतना डिटेल में एनालिसिस करके दिया था या तो क्रिश ने ये क्या कि चलो इसको टोटल करके वेट को बराबर कर देता हूँ बाई चांस उससे आगे, तो ये एक पॉसिबिलिटी, मैं कोई क्रेडिट और डिस्क्रेडिट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इस बात पे बात कर रहा हूँ कि इतना डिटेल में जाओ तब जाके सिस्टम का सारा चीजें अच्छे से पता चलता है, ठीक है ना, लेकिन मैं इस पे कमेंट करना चाह रहा हूँ एक और वो ध्यान से सुनना, चलो मैं एक काम करता हूँ, मैं कहता हूँ भाई ये है सपोज आंसर आ गया, अब आंसर तो आ चुका है तो पहले इंस्टेंस पे तो लगेगा ठीक है, और ये ऑप्शन में जरूर होगा, ये भी ऑप्शन में होगा 3mg by mu वाला, ये वाला और ये भी जरूर होगा ऑप्शन में, ये तो तुमको आइडिया लग गया कि भाई इतने सारे आंसर आ रहे हैं, ये ऑप्शन में भी मिलेगा जरूर। जरा एक चीज लॉजिकली बताओ, अगर मुझे सिस्टम को रोकना है और अगर मान लो फोर्स मैंने दिया mg by mu, तो यहाँ पे कितना फ्रिक्शन होगा,
म्यू इनटू मैक्सिमम दिस यानी mg, तो यानी यहाँ पे मैक्सिमम फ्रिक्शन mg आ रहा है, बट टोटल वेट तो 3mg है, बैलेंस कहाँ पे होगा भाई? ये जो फोर्स है, अगर मान लो ये दोनों चिपका हुआ है, क्योंकि टू स्टॉप ऑल है, तो अगर ये चिपका हुआ यानी यहाँ पे तो इसको तो इंटरनल फोर्स मान सकता हूँ, तो टोटल फोर्स क्या होगा mg, सॉरी 3mg, और अगर मैं फोर्स देता हूँ mg बाय म्यू, तो यहाँ पे कितना मैक्सिमम फ्रिक्शन जनरेट हो रहा है mg। अब 3mg को अकेले mg कैसे रोक सकता है, f तो हॉरिजॉन्टली दिया है, उसका तो कोई वर्टिकल मदद तो मिल नहीं रहा है, यानी इस क्वेश्चन में यहीं पे फ्लॉ था। मैं उस फ्लॉ को दिखाने के लिए बताया कि चलो तुमने इसको तो संभाल लिया, लेकिन क्या ये संभाल पाएगा? नहीं पाएगा, क्यों? देखो इसका आंसर नेगेटिव आ गया, यानी कॉन्ट्रेडिक्शन आ गया, यानी गड़बड़ हो गया। इसलिए हमने यहाँ पे एनालाइज किया बाद में और ये समझाने की कोशिश किया कि जब तुम यहाँ पे 3mg फोर्स दोगे ना, 3mg बाय म्यू ये वाला, तो इस पूरे को सिस्टम लेके 3mg लेके, इन दैट केस यहाँ पे स्टैटिक होगा। अब बोलो कोई डाउट है इसमें? सर वैसे इतना कुछ करने की जरूरत नहीं थी, अगर ऑप्शन में नॉट पॉसिबल होगा ही नहीं तो फिर ऑब्वियसली वाले सिस्टम में लेना ही पड़ेगा, फिर इंटरनल फोर्स बन जाएगी। समझे नहीं? देखो जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ तो कई बार थॉट्स अलग अलग तरीके से आता है। हो सकता है कि तुमने सोचा कि कौन इतना बड़ा सिस्टम एनालाइज करे, रोक दो वन को, हो गया हमारा काम, है ना, रोक दो वन को, हो गया काम। और पता है ऐसे क्यों थॉट्स आता है? पता एक और वजह है, मैं बताता हूँ। क्योंकि देखो बहुत लोगों ने, सारे ने तो आंसर mg by mu दिया था ना, यानी they were also convinced, उनका कोई गलती नहीं है। मैं बता दो क्यों थॉट आता है, पता है थॉट क्या आता है? अरे यही भारी ऑब्जेक्ट है, बस इसको रोक दो किस तरीके से, ये तो हल्का फुल्का तो रुक जाएगा, तो ये भारी है इसको रोको, और उसको रोक के आंसर आ गया ये। तो कई बार इसलिए हम लोग इस पर मिसलेड हो जाते हैं। अच्छा अगर मैं इसको 2m और इसको m दिया होता ना, तो शायद एरर्स ज्यादा नहीं होता, शायद एरर्स कम होता। क्यों? क्योंकि लगता है अरे बाप रे ये तो भारी ऑब्जेक्ट है, इसको रोकना है, हल्का फुल्का तो ठीक है रुक जाएगा वैसे ही। तो इसमें भी कई बार मिसलीड इसलिए हो जाते, लगते हैं भारी ऑब्जेक्ट है रोकते हमने, बस बहुत है हल्का ऑब्जेक्ट तो वैसे ही रुक जाएगा। कई बार थॉट्स ऐसे आता है ना, तो हम फिर मिसलीड हो जाते, क्योंकि हम लोग जनरली अवॉइड करते हैं पूरा सिस्टमेटिक सोच, सॉरी सिस्टमिक सोच, सिस्टमेटिक अलग चीज होता है, सिस्टमिक। तो एनीवे आई होप यू नाउ हैव गॉट द आइडिया नाउ कि क्या करना है, आई होप इट्स ओके नाउ। ओम पाठक सेस की लगाने की नीड नहीं है उसमें, हाँ चलो जो भी है, I hope you have now interpreted again. So that was about vertical. चलो अब मैं इसी क्वेश्चन में यही वाला m 2m mu 2m, सपोज मैं देता हूं यहां पे फोर्स, कंटिन्यूअस हॉरिजॉन्टल फोर्स देता हूं इक्वल टू mg by 2mu। मिनिमम फोर्स रोकने के लिए क्या चाहिए? 3mg by mu। मैंने तो उससे काफी कम दिया, mg by 2mu, तो यानी ये सिस्टम तो नीचे आएगा, ये तो पक्का पता चल गया। क्वेश्चन नाउ इज फाइंड आउट द एक्सेलेरेशन ऑफ द m मास एंड द एक्सेलेरेशन ऑफ द 2m मास। इस बार याद रखना यहां पे फ्रिक्शन है। हाँ जी गो अहेड सर। सर पिछले क्वेश्चन में सर ऐसे कोई तो फोर्स होगी जिस पे रुकेगा, मतलब पूरा सिस्टम उसमें चलेगा एक साथ, तो हम सीधा सिस्टम में लेके कर सकते थे ना स्टार्टिंग से ही, मतलब वो तो इंटरनल फोर्स बन जाएगी ना फिर दोनों के बीच की। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो तो है ही है, अगर ऐसे किया होता तो फिर तो सबका आंसर करेक्ट आ गया होता। तो मैंने तो ऐसे करा था। हाँ मैं समझ गया, तभी तो मैंने बोला ना कि तुमने तो पूरा सिस्टम लेके कर दिया इसलिए आंसर करेक्ट आ गया, बट जो बाकी लोगों ने आंसर किया उन्होंने भारी वाले ऑब्जेक्ट को टारगेट किया और सोचा कि बस इसको रोक दो किस तरीके से, तो इसलिए आंसर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। चलो कोई बात नहीं, देखो जो थॉट्स आया था वो तो खत्म हो चुका है, अब तो है यू नाउ गॉट योर आंसर पॉलिश्ड एंड यू कैन थिंक इन द राइट वे, अब इसको पहले करो। सो मैं लास्ट कि फिर हम जब क्वेश्चन करेंगे तो हमें एक एक ऑब्जेक्ट देखना चाहिए या सिस्टम देखना चाहिए? आंसर इज दैट दोनों देखना पड़ सकता है, ऐसे कोई शॉर्टकट नहीं है कि बस तुम यही रास्ता अपनाओ और तुमको आंसर आता जाएगा, ऐसे कुछ। तो देखो जितना एक्सपीरियंस होगा ना यू विल बिकम बेटर एंड बेटर एट जजमेंट्स, और कोई बात। चलो एनीवे इसको सॉल्व करो, मैंने बहुत कम फोर्स दिया, 1/6 ऑफ व्हाट इज रिक्वायर्ड टू होल्ड द ऑब्जेक्ट्स, होल्ड द ऑब्जेक्ट्स के लिए 3mg by पाई था, by mu था सॉरी, और मैंने दिया हाफ mg by mu, यानी 1/6 ऑफ दैट फोर्स। अब बताओ क्या होगा?
मैं तब तक एक और क्वेश्चन रेडी कर रहा हूँ. ओके, अभी तक इसका आंसर आया नहीं किसी का. आई एम स्टिल वेटिंग. आई मीन ओके, एक आंसर आया पर तुमने जो आंसर दिया समझ लिया कि एम एम का है, टू एम का, या दोनों का इकट्ठे है. यू डू मीन टू से दे आर कमिंग कंबाइंड. अच्छा, बोथ यानी कंबाइंड आर. चलो ठीक. ध्रुव शर्मा से इसके अलग अलग होगा, एक का जी होगा, एक का जी बाय टू. अच्छा, इंटरेस्टिंग. देहम से इसके एक का जी बाई टू होगा, टू एम वाले. अरियन से इसके नहीं, दोनों का एक ही आंसर होगा, वो है फाइव जी बाई सिक्स. सोम से इसकी एम का जी होगा और जी बाई टू होगा टू एम का. चलो एक काम करो, आदित्य माथुर से इसकी फाइव जी बाई सिक्स होगा, शायद दोनों का मीन करो. चलो ठीक. देखो हम तो यही मान के चल रहे हैं कि इनिशियली कि दोनों इकट्ठे चल रहे हैं, पहले तो ये मान लेते हैं. तो क्योंकि ये तो ऑब्वियस है कि रेस्ट पे तो रहेगा नहीं, रेस्ट पे तो रह नहीं सकता, तो ये दोनों इकट्ठे चल रहे हैं, व्हाट द रेज्यूम. अगर दोनों इकट्ठे चलते हैं तो क्या होता है ना, देखो टोटल हो गया थ्री एम जी फोर्स माइनस, ये तो इंटरनल हो गया. अगर दोनों इकट्ठे चल रहे तो ये तो इंटरनल हो गया, तो कोई दिक्कत नहीं है. तो एम जी बाई टू म्यू, एम जी बाई टू म्यू और इन टू म्यू, तो एम जी बाई टू यानी इधर हो गया एम जी बाई टू is equal to total mass 3m into a. I am assuming am is equal to a2m. होगा नहीं होगा बाद में देखेंगे, पहले करें तो. तो I think इससे तो आ गया जो सब लोगों ने दिया है, ये होगा 6 minus 1 तो यानी 5 by 2, तो like वो 6 आ जाएगा तो यानी 5 by 6 जी. ठीक है, ये होगा 5 by 6 जी. अब एक काम करते हैं, थोड़ा डिटेल पे चलते. अगर मान लो 5 बाई सिक्स जी है तो यहाँ पे फ्रिक्शन क्या चाहिए वो देख लेते. तो देखो ये हो गया 2 एम जी, और क्योंकि एक्सेलरेशन जी से कम है तो यानी इसका फ्रिक्शन हो गया एफ, और इसका क्या होगा, इसका हो गया म्यू इंटू एम जी बाई टू म्यू, तो यानी एम जी बाई टू. ठीक है, और ये हो गया एफ, और ये हो गया एम जी. ठीक है, तो ये आ गया. अब एक काम करता हूं, इसका अगर मैं देखता हूं तो यानी 2mg minus f is equal to 2m into 5 by 6g. ठीक है, 5 by 6g यानी f is equal to mg common लेके 2 minus 5 by 3. ठीक है ना, यानी mg by 3. mg by 3. ठीक है, चलो और इसका देखता हूं, mg plus mg by 3 minus mg by 2, ये हो गया इसका नेट फोर्स. ठीक है, तो विच इज इक्वल टू 6 कॉमन लोगे तो mg कॉमन ले लो, यानी 6 plus 2 minus 3 यानी 5 by 6 mg. तो 5 by 6 g acceleration, और ये जो friction आ रहा है ये सारा adjust हो गया, कहीं कोई contradiction नहीं, यानी यही correct answer है. यानी यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे static friction होगा, यानी final story क्या है कि यहाँ पे static और यहाँ पे kinetic और दोनों मिलके इकट्ठे 5 g by 6 acceleration करते. देखो
अगर मैं पूछूंगा फ्रिक्शन बताओ, तो यहां वाला काइनेटिक फ्रिक्शन हो गया हाँ mg by 2, और मैं बोलूंगा इन दोनों के बीच का फ्रिक्शन बताओ, तो ये आ गया mg by 3, mg by 3. अब सब रिकंसाइल हो गया, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं. That's what we're getting out. ठीक है ना, इस पे आ जाओ. ये 2mg by mu force दिया horizontally, इसका m mass है, इसका friction mu by 4 है. कुछ और कम कर, इसको ना थोड़ा और कम कर दो, mu by 8 कर दो, mu by 8 है. और इसका 3 mu friction है और ये 2m mass. ठीक है, तो तुमको बताना है acceleration of 2m और acceleration of m. जल्दी बताओ. ठीक है, 5g by 6 अभी एक दो जने और का भी आ गया. पहले भी तो कुछ आंसर्स आए थे 5g by 6, अरियंत ने दिया है, फिर आदित्य माथुर ने भी दिया है, सानिया ने भी दिया है, और हर्षित ने भी दिया है. बट देयर आर सम अदर्स आल्सो हु हैव गिवन डिफरेंट आंसर्स, g एंड 3g by 2, ठीक है ना. फिर सोम ने दिया g एंड g by 2, देहम ने दिया g by 2, ध्रुव ने दिया g एंड g by 2. तो आंसर सही नहीं है, सही आंसर तो यही है 5g by 6, 5 by 6 mg net force, और उसका एक्सेलरेशन इसलिए 5/6g. ठीक है, और यहाँ पे स्टैटिक इन दोनों में, और यहाँ पे यानी यहाँ पे काइनेटिक. आई होप दोस थिंग्स आर नाउ रिकंसाइल्ड अ बिट. इसका आंसर पहली बात तो यहाँ पे जो एफ मैक्स है, मतलब एफ एफ मैक्स है तो जगह 2mg by mu into 3mu, यानी यहाँ पे 6mg फ्रिक्शन फोर्स आ सकता है. फोर्स दे रहा ना तो इतना मैक्सिमम फ्रिक्शन आ सकता है F max. तो इसको तो सिर्फ 2mg चाहिए, तो यानी इट्स वेरी लाइकली दैट दिस इज नॉट गोइंग टू मूव. क्यों? कुछ ज्यादा ही फ्रिक्शन मैक्सिमम है, 6mg, और इसका तो वेट सिर्फ 2mg है, इसलिए इसका यहां से चलना तो बड़ा टफ है, इसका यहां से चलना तो बड़ा टफ है. ठीक है ना, बाकी देख लेते हैं. तो इसका मैक्सिमम फ्रिक्शन क्या है? 2mg by mu into mu by 8, यानी mg by 4, यानी ये तो नहीं रुक सकता, यानी m वाला बॉडी तो नहीं रुकेगा. क्यों? यहां पे मैक्सिमम फ्रिक्शन mg by 4 है और इसका तो mg है, यानी ये नहीं रुकेगा, तो इसको तो नीचे जाना ही है, इसको तो नीचे जाना ही है. ठीक है ना, कितने एक्सेलरेशन जाएंगे ना, ये फ्रिक्शन आ जाएगा, यानी इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा mg और mg by 4. ठीक है, मैं जानता हूं एक पॉसिबिलिटी ये कि दोनों इकट्ठे आ रहा है, बट उसका चांसेस बड़ा अनलाइकली हो गया इस केस में. क्यों? क्योंकि ये फ्रिक्शन कुछ ज्यादा ही है 6mg, इसको ओवरकम करके इसको चलाना इन दिस केस इज लाइक अ बिग जॉब, जो कि मुझे लग नहीं रहा. ठीक है ना, इसलिए मैंने तो इसके ही मान लिया. तो mg minus mg by 4, यानी 3/4g इसका एक्सेलरेशन आ गया, यानी एक्सेलरेशन ऑफ m आ गया 3/4g. अब इसका देखते हैं क्या होगा ना, इसका ये होगा कि यहाँ पे आ गया यही वाला फ्रिक्शन mg by 4 इधर, और ये हो गया 2mg plus mg by 4, यानी 9mg by 4, यानी यहाँ पे क्या हो गया फ्रिक्शन स्टैटिक, और कितना 9mg by 4, 2.25, मैक्सिमम कितना अवेलेबल है 6mg, यानी ये रेस्ट पे रहेगा, ये रेस्ट पे रहेगा, और ये वाला जो ऑब्जेक्ट है ये स्लाइड डाउन करेगा सिर्फ कितने में ना 3/4g, एंड ऑफ कोर्स आई एम अज्यूमिंग कि दिस ऑब्जेक्ट इज लॉन्ग एनफ, ये इसके साथ चिपक के एक्सेलरेशन करके नीचे आ गया. तो इस क्वेश्चन में मैंने क्या किया, फ्रिक्शन भी सारा निकाल दिया और एक्सेलरेशन भी सारा निकाल दिया. नाउ यू कैन हैव अ लुक. सो मैं आज की 6mg कहां से आ गया, तो आंसर इज दैट 6mg फ्रिक्शन नहीं है, मैं कह रहा हूं मैक्सिमम पॉसिबल फ्रिक्शन है 6mg, ये चीज. क्यों? ऐसे पिछले तरीके से कर, पिछला वाला जो कुछ, हाँ तो पिछले वाले तरीके से देखो, अगर करोगे तो दैट केस 2mg by mu into 3mu, अगर करते हो तो यानी टोटल फ्रिक्शन यहाँ पे मैक्सिमम आ सकता है 6mg, है ना, 3mu, अगर तुम पूरे को सिस्टम लेते हो तो 6mg और टोटल मास हो गया 3mg, यानी अगर पूरे सिस्टम के हिसाब से देखते हो तो इन दैट केस तो नहीं चल पाए. ठीक है, बड़ा भी रुको, अब इंडिविजुअली देखो कहीं चलने का चांस तो नहीं है. अब जैसे मान लो अगर सिर्फ यहां फ्रिक्शन होता 3mu, और अगर ये फ्रिक्शन जीरो होता
तो भी तो 6 mg होता है वहां का फ्रिक्शन मैक्सिमम। अगर यहाँ पे फ्रिक्शन जीरो हो जाए और यहाँ पे 3 μ और ये फोर्स दिया जाए तो यहाँ पे फ्रिक्शन क्या होगा, 6 mg मैक्सिमम। पर यहाँ तो फ्रिक्शन ही नहीं है तो ये तो बॉडी तो नीचे आ सकता है ना। तो देयरफॉर जस्ट बिकॉज कि सिस्टम का फोर्स टोटल वेट से ज्यादा है इसको तो पूरा सिस्टम रुक जाएगा, ऐसी भी कोई गारंटी नहीं है। अब हमें इंडिविजुअल लेवल पे देखना पड़ेगा। तो इंडिविजुअल लेवल पे मैं देख रहा हूं अगर यहाँ पे फ्रिक्शन लेस है तो इसको तो नीचे आना ही है। चलो ठीक है, फ्रिक्शन लेस तो खैर नहीं है लेकिन फ्रिक्शन कुछ ज्यादा ही कम है, μ/8 है, वेरी स्मॉल वैल्यू, तो इसलिए वो नहीं रुक पा रहा है। ये रुक रहा है क्यों, क्योंकि इसका फ्रिक्शन कुछ ज्यादा ही है, इसका फ्रिक्शन कुछ ज्यादा ही है तो ये तो रुक गया, ठीक है ना। फोर्स भी मैंने अच्छा खासा दिया तो यानी यहां पे हो गया काइनेटिक और यहां पे इस बार हो गया स्टैटिक। पिछले बार यहां पे काइनेटिक हुआ था, यहां पे स्टैटिक हुआ था, अब रिवर्स हो गया, अब यहां पे स्टैटिक और यहां पे काइनेटिक। हाँ, स्टैटिक फ्रिक्शन कितना वो मैंने बना दिया ये। तो यहां का फ्रिक्शन मैक्सिमम अवेलेबल 6 mg है यहां पे, पर मैक्सिमम अवेलेबल 6 mg का मतलब ये नहीं कि जनरेट भी होगा 6 mg। जैसे फाइनल आंसर में क्या मिल रहा है, जनरेट हो रहा है कितना, 9 mg बैठ। तो यानी यहां पे मैक्सिमम फ्रिक्शन इस वॉल पे, मैक्सिमम फ्रिक्शन इस वॉल पे पॉसिबल है 6 mg, पर जनरेट हो पा रहा है 9/4 mg, ठीक है। और mg इधर हो गया, mg/4 इधर हो गया, तो ये सब मिला के 9 mg/4, तो ये रेस्ट पे आ गया। सो दिस बॉडी इज एट रेस्ट और ये नीचे की तरफ एक्सीलरेट कर रहा है। यानी a2m, a2m इज 0, a2m का वैल्यू 0 आ गया और am का वैल्यू आ गया 3/4। देखो ये दोनों हो गया फाइनल आंसर्स। बाकी फ्रिक्शन का कैसे है, मैं यहाँ पे काइनेटिक कितना वैल्यू mg/4 यहाँ वाला, और यहाँ पे स्टैटिक कितना वैल्यू ना 9 mg/4। आई होप दैट मोर ऑर लेस कंप्लीट्स द सिस्टम और सीक्वेंस ऑफ थिंकिंग, ठीक है ना। चलो आज भी हमने फ्रिक्शन पे काफी कुछ डिस्कस किया, फ्रिक्शन तो ऑलमोस्ट एंडलेस लगता है है ना, बट एनीवे हमने काफी डिस्कस कर लिया फ्रिक्शन। आई थिंक नाउ इट्स टाइम टू वाइंड अप, तो लाइक मे बी एक आध क्लास और डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि वो सिलेंडर वाला क्वेश्चन दिया है और मे बी इसमें भी थोड़ा सा और डिस्कस कर लेंगे इफ रिक्वायर्ड, ठीक है ना। आई थिंक दैट वुड बी मोर लेस गुड इनफ फॉर अस टू राइट वाइंड अप देयर ओनली। आई थिंक वी हैव डन सफिशिएंटली ऑन फ्रिक्शन। अब इसके बाद तो देखो यू नो गो ऑन एज आई सेड डूइंग क्वेश्चंस, हर कोई अलग अलग जगह से कर रहा है, तो मैं तो एक ही चीज कहता हूँ इज दैट स्टार्ट करो एच सी वर्मा से और उसका एक बार कंप्लीट कर लो एक राउंड, और उसके बाद जो है गो टू एनी सोर्स एनी वट एवर यू आर फॉलोइंग। तो मैं सोर्स को डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहा हूँ, कुछ लोग VM शर्मा कर रहे हैं, कुछ लोग DC पांडे कर रहे हैं, कुछ लोग फिट जी का मॉड्यूल कर रहे हैं, कोई VMC का मॉड्यूल कर रहा है, तो अलग अलग, तो मैं उसमें कोई रोक टोक नहीं कर रहा हूँ। फॉलो योर ओन सिस्टम बट विद अ रिमाइंडर दैट टुडे इज फ्राइडे, सो ऑन संडे आई वुड अगेन एक्सपेक्ट हाउ मेनी क्वेश्चंस हैव यू डन इन दिस वीक का रिपोर्ट, एंड डू इट ऑनेस्टली बिकॉज यू आर डूइंग इट फॉर योरसेल्फ। इफ यू इन्फ्लेट द फिगर्स एंड सेंड इट टू मी आई विल नॉट अंडरस्टैंड इट, मैं तो विश्वास करूंगा, मेरा तो काम ही है ना विश्वास ही करना, और क्या कर सकते हो, है या नहीं। बट आई होप इट इज नॉट यूज फॉर शोइंग ऑफ सम इन्फ्लेटेड नंबर्स, इट इज फॉर जजिंग योरसेल्फ एज टू व्हाट प्रोग्रेस यू आर मेकिंग। सो डू इट ऑनेस्टली, आई थिंक यू विल बी द बेनिफिशियरी एंड नॉट, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही करते हैं। अरिंदर दास की क्या NLM ऑलमोस्ट ओवर हो गया, ऑलमोस्ट ओवर, ठीक है ना। लेकिन ये कहने की बात है, ये 1.5 साल अगला जो 1.5 साल आने वाला है देखना NLM का ही दाएं बाएं करके कुछ ना कुछ एप्लीकेशन चलता रहे, सो इट्स ओवर येट नेवर ओवर, ठीक है। चलो आज के लिए इतना, ओके, थैंक यू सर, थैंक यू एंड हैव अ गुड डे, अ रादर गुड वीकेंड ऑल्सो। Yeah.